रुड़की में लंबे समय से गन्ना किसान भुगतान को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन अब गन्ना किसानों को चीनी मिल प्रबंधन भुगतान कर रहा है, राहत दे रहा है। प्रदेश के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन रूड ने आरोप लगाया कि इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधन पर उनका करोड़ों का बकाया है, जिसके लिए किसान लंबे समय से आंदोलित है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। मिल प्रबंधन जो है लापरवाह नहीं है। एक्चुअली क्या चीज़ है, आपको मालूम होगा कि दो जो करंटली ईयर है हमारा 2019-20 का जो सीज़न है, इस सीज़न का पेमेंट के लिए हमारा एक जो है मतलब एक अकाउंट जॉइंटली अकाउंट जो डीएम साहब की उपस्थिति में प्लस चीनी मिल की दोनों के जॉइंटली अकाउंट्स में खुला हुआ है कि जो भी चीनी बिकेगी वो चीनी मिल को चीनी बेचने के बाद ही उसका पेमेंट करना होगा। अब तक जो भी चीनी बिक रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि लास्ट वीक से पिछले लगभग 10 दिन से मार्केट बड़ा स्लो था, 2-3 दिन से ही मार्केट में थोड़ा उछाल आया चीनी बिकने में, चीनी की कंडीशंस बिकने की नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब चीनी बिकना शुरू हो गई है, तो जैसे ही चीनी बिक रही है उसका पेमेंट हम निकाल रहे हैं। गन्ना किसान के जहाँ तक सवाल है, सबसे बुरा हालात इकबालपुर शुगर मिल के, इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का लगभग 190 करोड़ आज भी बकाया, जिसमें 31 करोड़ सरकार ने दिया पर भी 190 करोड़ बकाया, और मिल प्रबंधन लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है, किसानों को परेशान कराया जा रहा है। जिस किसान का 3 वर्षों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ होगा, उस किसान का घर का चूल्हा कैसा चल रहा है, इसे सोचने वाला इस देश में आज कोई नहीं है। सरकारें भी किसानों का बेवकूफ़ बना रही और मिल प्रबंधन भी किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।